तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज दो तगड़े फोन है, एक तो फोटोज में और एक कह सकते हो परफॉर्मेंस में। बट एंड में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर Vivo V30 Pro जिसके साथ में ज़ाइस की पार्टनरशिप आती है और ये कैमरा और ओवरऑल कैसा है, और वहीं पर OnePlus 12R आता है और ये फोन भी ओवरऑल कैसा है, क्योंकि दोनों की जो प्राइसिंग है ना वो 40,000 के अंदर आती है। कार्ड डिस्काउंट जो भी होगा आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और इन दोनों का फॉर्म फैक्टर पूरा अलग है। लाइक Vivo आपको मस्त पतला हाथों में सही बैठने वाला फोन मिलता है, और वहीं इसका उल्टा OnePlus बहुत ज्यादा हल्का, सॉरी बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा जायंट हाथों में फील होता है। तो इन दोनों के कैमरा सैंपल्स भी दिखाऊंगा, परफॉर्मेंस वगैरह सब चीज कैसी है और कहां पर आपको अपना पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। बाकी रही बात यहां पर कलर वेरिएंट्स को लेकर, दोनों में दो दो कलर ऑप्शंस आते हैं और यहां पर ये दोनों के जो दोनों बेस्ट कलर्स है ना वो मेरे हाथों में, मुझे मतलब लिए Vivo V30 Pro का ये वाला कलर पसंद है और OnePlus का ये वाला कलर पसंद है। और अगर इन हैंड फीलिंग देखोगे सामने से तो OnePlus अपना एक मॉड्यूल जो कैमरा डिजाइनिंग जो लास्ट ईयर से फॉलो कर रहा है वही सेम OnePlus 12R में मिलता है। Vivo V सीरीज के जो डिजाइनिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है, हमेशा ऑरा लाइट मिलती है स्क्वायर टाइप में, जहां पर अलग अलग सिनेरियोज में आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब फोटोग्राफी के हिसाब से। प्लस इस फोन पर ज़ाइस की पार्टनरशिप आती है। अब ज़ाइस की जो पार्टनरशिप है ना Vivo X सीरीज हो गई जो वहां पर हमको मोस्ट ऑफ मिलती है, जहां पर इनके जो फिल्टर्स आते हैं, इनके जो लेंसेज आते हैं वो सारा ऑप्शन होता है, जहां पर थोड़ी सी फोटोग्राफी में इनहांस हो जाती चीजें, और वही सारी चीजें यहां पर है। हालांकि Hasselblad आता है OnePlus के अंदर, बस इस 12R में नहीं है। Hasselblad की जो पार्टनरशिप है वो जो OnePlus 12 है ना प्रीमियम वाला वहां पर मिलती है, इसके अंदर वो फिलहाल तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। OnePlus में आपको आयर ब्लास्टर भी मिलता है, Vivo में ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोनों के जो टाइप सी है वो भी 2.0 आते हैं, तो है ना कि जो एलगाटो सपोर्ट है वो दोनों में नहीं है। तो अभी पावर और परफॉर्मेंस को लेकर बात करेंगे सबसे पहले, तो कैमराज में थोड़ा सा बाद में जाएंगे। Dimensity 8200 प्रोसेसर आता है Vivo के अंदर, और Snapdragon 8 Gen 2 का प्रोसेसर है OnePlus में। और यहाँ पर जो दोनों के अंदर LPDDR5X की रैम आती है, एक्सपेंडेबल रैम का जो ऑप्शन है वो भी दोनों में अवेलेबल है, और इवन दोनों में UFS 3.1 की स्टोरेज आती है। और हाँ, अगर आपको किसी में से डाउट होगा कि किसके 256 वाले में वेरिएंट में मतलब आपको UFS 4.0 मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी UFS 3.1 है। ब्रांड की तरफ से कुछ एरर हुआ था, उसके बाद में वो चीजें क्लेम मतलब सही बता दी गई कि UFS 3.1 आता है, और दोनों में वही सेम है। और बैटरी वाले मामले में Vivo पर 5000 है, OnePlus पर 5500 mAh की बैटरी है, और जो चार्जिंग सपोर्ट है OnePlus पर 100 वॉट है और 80 वॉट का सपोर्ट Vivo में है। और हाफ एन आवर के अंदर देखोगे तो OnePlus पूरा चार्ज हो जाता है, और जो 50% चार्ज करना हो गया तो वहां पर ये फोन 19 मिनट के आसपास हो जाता है, और 100% चार्ज होने में 48-50 मिनट का टाइम लेता है। और ये फोन भी वैसे मतलब 29 मिनट में होता नहीं है, ये भी कुछ आराम से 30-35 मिनट चले जाता है आराम से ऊपर नीचे खींचते हुए। तो चार्जिंग टेक तो मेरे हिसाब से दोनों में एकदम सही तरीके से आती है। अब बस आपको ये जानना होगा कि इसकी जो 500 mAh बैटरी ज्यादा आती है तो क्या ये Vivo से ज्यादा चलेगा, वो आपको मैं अभी एक टेस्टिंग में दिखाता हूं, जहां पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। क्योंकि इसी फोन को मैंने लास्ट टाइम एक फोन था जो 5160 mAh के साथ में आता है, iQOO Neo 9 Pro, उसके साथ में टक्कर करवाई थी, और वहां पर ये फोन है ना मतलब लगा ही नहीं कि 5500 mAh के हिसाब से परफॉर्म कर रहा था, मतलब उससे भी पीछे चला गया। और एक चीज है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मतलब हम लोग ने काफी ज्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो इसके लिए ना आप एक थोड़ा सा एफर्ट जरूर दिखा देना, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और स्टार्ट में जो 200 कमेंट्स आएंगे ना उनको रिप्लाई भी दूंगा, और साथ में सभी को हार्ट भी देंगे, तो फटाफट कर देना, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लोग देखते हैं, इवन परफॉर्मेंस में भी अगर देखोगे तो जो सबसे ज्यादा फिलहाल अगर स्कोर अगर ध्यान से देखोगे तो OnePlus 12R के अंदर आपको देखने मिलेंगे। एंटीटू बेंचमार्क पर पहला टेस्ट किया, फिर उसके बाद में सीपीयू थ्रॉटल पर भी स्कोर आपको ज्यादा देखने मिल रहा है, क्योंकि 8 Gen 2 ऑफकोर्स ज्यादा पावरफुल है Dimensity 8200 प्रोसेसर से। फिर बाद में रीड एंड राइट की स्पीड निकाली, वहां पर आप देख सकते हो फास्टर का इससे निकल कर आ रहा है। फिर उसी पर Geekbench 6 के स्कोर निकाले, फिर जैसे ही टास्क खत्म हुआ ना तो 4K की वीडियो मैंने प्ले कर दी YouTube पर अगले 15 मिनट के लिए, और जैसे ही वो खत्म हुआ तो 4K की 30fps की वीडियो प्लेबैक कर दी अगले 15 मिनट के लिए। फिर दोनों के अंदर टाइप सी 2.0 आता है, तो SSD कॉपी पेस्ट भी करके देख लिया, विनर आपके सामने जिसने रीड एंड राइट मतलब फास्टर करा। एक 11GB की फाइल थी बेसिकली SSD में, जो मैंने हर एक फोन में एक एक करके ट्रांसफर किया। फिर जैसे ही वो खत्म हुआ फिर मैंने एक वीडियो रेंडरिंग टेस्ट किया जिसके अंदर एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ ऐड थे। और देखो अभी अगर आपको जानना है कि ये सारे टास्क परफॉर्म किए, ऑलमोस्ट 4.25 घंटे के आसपास तक का ये टेस्टिंग था, तो यहां पर कैसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 5500 mAh जीत गया,
ज्यादा बैटरी दिया, बट जो रिजल्ट थे ना उसमें लाइक ऐसा है कि ठीक था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से इसने परफॉर्म किया है। इसकी जो 5500 mAh की बैटरी अभी कहूंगा कि इतनी वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, या OnePlus ने अभी तक उतना प्रॉपर तरीके से इसको किया नहीं है। तो क्लियर एक कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब विनर आप ही बता दो कौन निकल कर आता है। ऑलमोस्ट ऐसा सीन है कि OnePlus 5500 से उतना परफॉर्म नहीं किया जितना मैंने सोचा था। अभी रियल लाइफ टेस्ट में आपको ये जानना होगा कि गेमिंग किसके अंदर ज्यादा अच्छी होती है। तो वीवो के अंदर आपको स्मूथ पर 60 FPS अनलॉक करके मिलता है, OnePlus पर आपको स्मूथ पर 90 FPS अनलॉक करके मिलता है। अब इन दोनों में से आपको एक बात तो क्लियर है कि Snapdragon 8 Gen 2 होने की वजह से यहाँ पर 90 FPS थोड़ा सा ज्यादा मतलब यहाँ पर ऑप्शन अनलॉक करके मिलता है, बट स्टेबिलिटी अगर बोलूंगा तो यहाँ पर 60 FPS की गेमिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी। 90 में ये फिर भी थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन निकाल देता है, और एट दी एंड थोड़ी सी बेटर गेमिंग फिर भी मैं कहूंगा OnePlus के अंदर हो जाती है। और वीवो में आप कैजुअल गेमिंग से थोड़ी ऊपर वाली गेमिंग आराम से कर सकते हो 60 FPS के हिसाब से। बाकी मैंने यहाँ पर 1 घंटे की गेमिंग करी थी जिसके अंदर ये फोन है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन भी किया था और उसके बाद में 60 FPS भी प्ले करके देखा, और जो बैटरी ड्रॉप करा इसने 22% के अराउंड था। बाकी ये फोन है ना जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके इसके अंदर भी टेस्टिंग करी तो जो बैटरी ड्रॉप था ना वो भी अराउंड कुछ परसेंट के आसपास था। अभी कनेक्टिविटी के अंदर सेंसर में भी OnePlus पे ज्यादा देखने मिलते हैं, और IP64 की रेटिंग आती है OnePlus पर, Vivo पर IP54 की रेटिंग है, और दोनों पर ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। OnePlus की जो पोजीशनिंग है ना वो ऊपर की साइड है और Vivo की यहाँ पर थोड़ी सी बॉटम साइड में मिलती है, लेकिन रही बात अनलॉक को लेकर दोनों परफेक्ट होते हैं। अभी देखो यहाँ पर दोनों के अंदर जो डिस्प्ले है ना वो कर्व आती है, OnePlus के अंदर जो कर्वनेस है ना थोड़ी ज्यादा लगती है, और OnePlus पर जो फ्रेम है ना वो एल्यूमिनियम फ्रेम आता है और Vivo पर वो प्लास्टिक की फ्रेम है। दोनों की डिस्प्ले साइज है ना भाई वो सेम आती है, बस यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना जो ये मोटा है और ये मस्त में हल्का फुल्का पतला है, हाथों में कंफर्टेबल रहता है लॉन्ग टाइम यूज करने के हिसाब से, और डिस्प्ले के कलर्स वगैरह दोनों में ही अच्छे निकल कर आते हैं। एमोलेड है भाई, 120 हर्ट्ज, दोनों की एनिमेशन वगैरह भी अच्छी तरीके से वर्क करती हुई दिखती है, और जो पीक ब्राइटनेस है ना वो OnePlus में 4500 निट्स आता है और Vivo में 2800 निट्स आती है। आउटडोर में लेके जाओगे हार्श सनलाइट में दोनों की डिस्प्ले अच्छी खासी तरीके से विजिबल रहती है। बाकी यहाँ पर एक चीज है, स्पीकर के हिसाब से देखोगे ना तो Vivo में सिंगल स्पीकर आता है और OnePlus में डुअल आता है, तो डेफिनेटली ज्यादा ब्लास्टर OnePlus देखने मिलेगा। अभी सॉफ्टवेयर वाली बातचीत में ना ये दोनों फोन Android 14 पर आते हैं, बट Vivo पर FunTouch OS 14 मिलता है और OnePlus पर Oxygen OS 14 मिलता है, और इसमें 3 साल का OS अपडेट है और 4 साल की सिक्योरिटी पैचेस है, और इसमें कहीं मेंशन तो नहीं किया है पर एटलीस्ट मिनिमम 2 साल का OS अपडेट तो मिल ही जाएगा, या मैक्स से मैक्स 3 साल का मिल जाएगा, बट कंफर्म क्या है मुझे भी नहीं पता, कमेंट में अगर जिसको पता होगा बता देना। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस दोनों का अच्छा है, जिसने OnePlus यूज किया उसके हिसाब से वो प्लस पॉइंट है, और जिसने Vivo यूज किया है उसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस है उसका बेस्ट आता है। अभी कैमरा वाली बातचीत में देखोगे ना तो बहुत सारे नंबर दोनों के अंदर मिलते हैं, बट जो एक प्रॉपर कैमरा सेटअप मिलता है जो Vivo डेफिनेटली निकाल के देता है, क्योंकि ये फोन अंडर 40,000 के अंदर आने वाला एक बेस्ट कैमरा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पोर्ट्रेट डेडिकेटेड लेंस मिलता है प्लस 50 megapixel का अल्ट्रा वाइड है, और मेन कैमरा भी वो 50 megapixel पे है, जबकि OnePlus पर आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है। तो कैमरा नंबर्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स Vivo लेके जाता है, और इवन जो सेल्फी कैमरा भी है वो भी यहाँ पर 50 megapixel का है Vivo में, और जबकि यहाँ पर 16 megapixel मिलता है। तो एक बात है, यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटो खींच के देखी है, अभी जितने सैंपल्स आप देखोगे प्लस ज़ाइस की जो पार्टनरशिप है यहाँ पर, इसमें जो कोलैबोरेशन है Vivo के साथ में, इनकी जो फोटो मैं आपको बोलूंगा कंपेयर ज्यादा करो ही मत फ्रेंकली बोलूंगा, और जो सोनी का IMX920 सेंसर है वो भी यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। मेन कैमरा पे जो फोटोज है OnePlus के मुकाबले बहुत फीकी लगती है OnePlus में, और Vivo बहुत सारे एक्स्ट्रा अच्छे फोटोज निकालता है, अच्छी लाइट कंडीशन हो चाहे लो लाइट कंडीशन हो। इवन अगर हम लोग पोर्ट्रेट की बात करोगे, जो इसमें डेडिकेटेड पोर्ट्रेट लेंस आता है प्लस ज़ाइस की जो प्रोफेशनल सिनेमैटिक फिल्टर्स मिलते हैं, उसकी वजह से जो फोटोज भी है ना आउटपुट है वो भी थोड़ा सा एक्सट्रीम पुश कर देती है, प्लस जो अल्ट्रा वाइड की भी अगर हम लोग कंपेयर करने जाएंगे तो OnePlus वहां पर बहुत दूर दूर तक खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 50 MP का अल्ट्रा वाइड जो क्लैरिटी निकालता है ना OnePlus के मुकाबले बहुत दूर हो जाता है OnePlus वहां पर। और इवन जो सेल्फी की फोटोज भी है Vivo में, जो सेल्फी वाला बातचीत है ना भाई हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है, चाहे वो मेन कैमरा हो गया चाहे वो पोर्ट्रेट हो गया, वहां पर जितना सिनेरियो मतलब ऑलमोस्ट समझ लो Vivo हर एक सिनेरियो में फोटोज पे नंबर कैप्चर कर लेता है। अगर आपको फोटोग्राफी के लिए या फिर अच्छी फोटोज खींचने के लिए फोन चाहिए तो Vivo V30 Pro डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। और OnePlus की जो HDR की प्रॉब्लम है वो हमेशा इसमें भी थी और वो भी हमको यहाँ पर एरर देखने मिला, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है इसको अगर हम लोग कंपेयर करने चाहेंगे। इवन मैंने Iconio 9 Pro से भी कंपेयर किया था और वहां पर भी ये बहुत बुरा पीछे
रह गया, इतना समझ के चल सकते हैं। और 4K 60fps की वीडियो आप दोनों फोन में बना सकते हो, बट वीवो में आप लोग 4K 60fps की वीडियो फ्रंट से भी ले सकते हो, जो यहाँ पर एक बेस्ट चीज अनलॉक करके देता है, क्योंकि ये 1080p वो भी 30fps पे ही शूट कर सकते हो फ्रंट कैमरा से। तो एट द एंड सिंपल है, वीवो फोटोज में और वीडियोस दोनों जगह प्लस पॉइंट लेके जाता है, OnePlus बेचारा यहाँ पर उतना खड़ा ही नहीं हो सकता। तो पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा, देखो परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए इन दोनों में से तो दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन यस OnePlus थोड़े से ज्यादा अच्छे स्कोर देता है, बट वीवो में आपके वो सारे काम हो जाएंगे जो ये आपको करवा के दे रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो तो वहां पर भी ये सही रहता है। प्लस ये पतला है, कैरी करने में हाथों में एकदम कंफर्टेबल रहता है, ये अच्छा खासा हैवी है। अब आप लोग मुझे बताना कि आप कौन सा फोन ज्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे, OnePlus या Vivo। मैं अगर फोटोस वाले सिनेरियो आएगा ना, इवन कंफर्टेबल वाली बातचीत आएगी ना हाथों में, तो मैं वहां पर Vivo को रखूंगा, क्योंकि इसकी फोटो उतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है और इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबिलिटी नहीं देता, क्योंकि कुछ सिनेरियो के बाद में फ्लक्चुएशन कर देता है, क्योंकि अंडरक्लॉक है, इतना नहीं है जो एडजन 2 जितनी पावर देनी चाहिए ना, ये उतना नहीं दे रहा है। और होप्स ये कंपैरिजन वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उसके लिए कमेंट में जरूर बता देना। बाकी मैंने जो स्टार्ट में कहा उसके लिए कर देना, क्योंकि जो स्टार्ट के कमेंट्स आएंगे 200 कमेंट्स, उनमें से सबको रिप्लाई भी दूंगा जितने हो सके, और उतने सबको एटलीस्ट मैं हार्ड जरूर दूंगा, तो कर देना ठीक है। बाकी कोई नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन की डिमांड है एक बार वो भी बता देना ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।